दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऊपर से बुखार भी आया हुआ है। तो हो लिया बस यही रहने वाला, लेकिन ठंड हो या फिर गर्मी, बरसात हो या फिर नॉर्मल दिन, बुखार हो या ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा ही कॉमन रहती है, वो है नेताओं का पलटी मारना। और एज यूजुअल इस बार फिर से पलटी मारी है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। अभी बीजेपी वाले इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो अपोजिशन वाले धोखा। पर फैक्ट अगर बताऊं, सच अगर कहूं, तो दोनों ही हैं, और इन दोनों को बना रखा है नीतीश कुमार ने, क्योंकि कोई आए कोई जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, पर सीएम इनको ही रहना होता है। कल तक बिहार में गुंडाराज वापस आने की बातें करने वाली बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से सुशासन बाबू बन गए, तो वहीं कल तक नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बोलने वाली अपोजिशन के लिए, कांग्रेस के लिए, राजद के लिए वो एक बार फिर से पलटू राम बन गए। मतलब बात इतनी बिगड़ गई है कि कांग्रेस वाले अगर उन्हें गिरगिट बता रहे हैं, तो शिवसेना वाले मेंटली अनस्टेबल। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि मुझे रंगासर की वो डिबेट याद आ गई जब नीतीश कुमार ने लास्ट टाइम पलटी मारी थी। तब लालू की पार्टी की कांग्रेस की जो लैंग्वेज थी, अभी बीजेपी की वो लैंग्वेज है, और तब जो बीजेपी की लैंग्वेज होती वही अभी कांग्रेस और लालू की पार्टी की लैंग्वेज है। और इसी सिचुएशन पर तब रंगासर ने बोला भी था। वोटर्स मंदिर का घंटा है क्या, जो आता बजा के चला जाता। अभी क्या थी वो डिबेट, देखते हैं और जानते हैं बिहार को और बिहार की पॉलिटिक्स को। जाए तो जाए कहाँ, ललन सिंह जी बताइए, जाए तो जाए कहाँ। अब आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, बता दीजिए। हम तो पूरी अब डायरी लेके चला करेंगे, क्योंकि इतनी बार पाले बदल चुके हैं नीतीश जी कि अब तो हिसाब रखना मुश्किल हो गया है कि आपका असली दोस्त है कौन और दुश्मन है कौन। जो हालात बिहार के तब थे, वही हालात अभी हैं और शायद आगे भी रहने वाले हैं, जब तक नीतीश कुमार सरकार में रहने वाले हैं, जब तक नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में रहने वाले हैं, बिहार की पॉलिटिक्स शायद कभी नहीं बदलेगी। बिहार की जनता के फेवर में जो भी काम थर्ड फ्रंट के लोगों को करना है वो करना है। दोनों पार्टियां ओनली विद सैक्रिफाइस, त्याग के ऊपर आई हैं, आंदोलन के बल पर यहां पर आई हैं। आज कंपैरिजन आप इन इन पूंजीवादी ताकतों से अगर थर्ड फ्रंट का करना चाह रही है नविका जी, तो ये आपकी अपनी सोच। नहीं, पर मैं पढ़कर बताती हूँ, ये लालू जी का ट्वीट है। 3 अगस्त इसी समय, इसी हाल ही के दिनों में 2017, 5 साल पहले, नीतीश सांप है, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है, और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक। बंदे के पसीने छूट रहे हैं, लालू की पार्टी का जो प्रवक्ता है उसके पसीने छूट रहे हैं, और यही वाला ट्वीट लालू की पार्टी ने एक बार फिर से वायरल कराना स्टार्ट करा दिया है। और ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि लालू कितने दूरदर्शी नेता थे, जबकि अगर वो थे तो भाई अब तक नीतीश कुमार के साथ क्यों थे और क्या कर रहे थे। अब बड़ी इज्जत अफजाई करते हैं आप लोग एक दूसरे की बिहार में। ये दोनों पार्टियां आंदोलनों से आई हैं, अच्छा, इनका किसी प्रकार से सैक्रिफाइस बन गए। इस बात का अवार्ड आपको ऑस्कर मिल जाएगा। मुझे आप ये बता दीजिए, नीतीश कुमार जी सांप की चमड़ी बदलकर अब दोबारा आ गए हैं, हाँ या ना, क्योंकि ऐसा लालू जी ने कहा था। मुझे मुझे सांप वाली ये बात आपको बिहार की जनता से पूछनी चाहिए। चला जा। Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, Navika, and good evening to all my esteemed panelists. I can very well imagine how much you enjoyed this primer of the last 5 minutes, exposing the hypocrisy of those who were sworn enemies and now are bosom friends. Look, the fact of the matter is, yet again, Nitish Kumar has abandoned the cow and accepted the fodder, as was expected of, pardon the pun, Paltiputr. You know, I can't think of any other politician who has broken off and hooked up so many alliances so many times. I mean, hawan ki aag thandi bhi nahi hoti hai ki dulha abandons his bride and pulls his ex for feras again, and the exes know the script, and so they're always lurking in the vicinity, gorging on butter naan and kadai paneer under the banquet tent. Voters, mandir ka ghanta hai kya?
जो आता बजा के चला जाता है. दिस जेडीयू एंड आरजेडी अलायंस इज अ बिट्रेयल ऑफ द मैंडेट नाविका, जस्ट लाइक जेडीयू एंड बीजेपी अलायंस वॉज इन 2017. बीजेपी ऑफकोर्स इज नो दूध का धुला. पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड डार्विनियन एक्सियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. दे आर कंपीटिंग टू सर्वाइव, दे आर म्यूटेटिंग टू सर्वाइव. गवर्नमेंट्स नाविका आर अ रूलेट इन स्पिन. The players switch sides at will and no one loses in the long run. You know, I began with talking of X's. Well, X is a prefix found most frequently in a politician's CV. Ex-BJP, ex-Congress, ex-BSP, ex-AAP, ex-SP, ex-CPI, ex-TMC, pre-poll alliance, post-poll agreement, coalition dharma, caste arithmetic, regional agreement, local pact, religious deal. These are telltale signs, genetic markers for this disease called politics. But kare to kare kya navika? Jaye to jaye kahan? जो हालत बिहार की तब थी वही हालत अभी है, वही हालत पहले थी वही हालत अभी है. नीतीश का भरोसा ना तब था ना अब है. अपोजिशन की जो लैंग्वेज तब थी वही अभी है. नीतीश जिसके साथ मिल जाए वही उनको सुशासन बाबू बना देता है, वही उनको धर्मात्मा बना देता है, और जिसका साथ छोड़ जाए वही उसको पलटी पुत्र या फिर पलटू राम बना देता है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या फिर लालू की पार्टी. हालत दोनों की एक जैसी है, बना दोनों को ही नीतीश कुमार ने उल्लू रखा है. बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं.